2012 एक 10 साल पुरानी गाड़ी का रिस्टोरेशन वीडियो आप लोगों के सामने फिर से है जो आंध्र प्रदेश से हमारे पास आई हुई है। मेरा दिल से शुक्रिया है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं किस तरीके से जो ओनर ऑफ द कार है सर हमारे पास आए। बोले गाड़ी का तो मॉडिफिकेशन में वहाँ पर भी कर सकता था बट दो चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। वन इज़ द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर जो टॉप गियर का हम देखते हैं एंड सेकेंड इज़ द रोल्स रॉयस रूफ जो उनको हमने फर्स्ट XUV 500 में हमारा वीडियो है जिसमें रोल्स रॉयस रूफ हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं द फ्रंट प्रोफाइल लुक ऑफ द कार से। आप लोग देख सकते हैं कि एक 10 साल पुरानी गाड़ी है बट हेडलाइट में सिंगल प्रोजेक्टर ही लग के आता था। द मॉन्स्टर हेडलाइट कन्वर्जन हैज बीन डन इन द कार। DRL भी एक हेडलाइट के अंदर आती ही थी, एक प्रोजेक्टर लग के आता था। द सेकेंड प्रोजेक्टर हैज़ बीन एडेड इन द कार। लो बीम में प्रोजेक्टर था, हाई बीम में प्रोजेक्टर हमने ऐड किया है एंड लो बीम एंड हाई बीम दोनों के बल्ब्स LEDs एंड HIDs से हमने अपग्रेड किए हैं जिसकी रोशनी रात व्यू में हम लोग नाइट व्यू में देखेंगे किस तरीके से है। बट अ वाइट कार विथ अ मैट ब्लैक ग्रिल विथ अ मैट ब्लैक एंड सिल्वर डिफ्यूज़र। एक बम्पर है जो आपके बम्पर के ऊपर लगता है, एक शो है, एक सेफ्टी है, एक प्रोटेक्शन है। सी द फ्रंट लुक, सी द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, सी द नंबर प्लेट ऑफ द कार। इट्स द XUV 500 स्पोर्ट्स आंध्र प्रदेश 22AE 111 and 1। चारों इक्के अगर हम नंबर देख रहे हैं किस तरीके से ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल हमने मॉडिफाई किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इट्स अ वाइट कार विथ अ पियानो ब्लैक रूफ, जो रूफ है विनाइल ब्लैक में हमने ये की हुई है। एक डुअल टोनिंग का लुक दिया है गाड़ी को साइड से। ये कार के अंदर हमने एलॉय व्हील्स अपग्रेड किए हुए हैं जो हमारे 17 इंच के स्टार डिज़ाइन एक बार फिर से 1, 2, 3, 4 and 5 स्पोक्स के साथ रेड रिम बेस के साथ ये गाड़ी व्हील कैप के साथ ही आती थी बट अलॉय व्हील लगने से जो जान आ रही है गाड़ी में एंड ये गाड़ी अलॉय व्हील के साथ ही अच्छी लगती है। किस तरीके से एक एलॉय, एक ब्लैक रूफ एंड एक क्रोम डोर वाइज़र जो साइड प्रोफाइल में हमने लगाया है जो मेड इन कोरिया के आते हैं फ्रॉम द लोअर टिप एंड टू द लास्ट कॉर्नर। किस तरीके से इसका XUV पे लुक है देख सकते हैं। पीछे का डिफ्यूज़र देख सकते हैं जो गाड़ी को एक स्पोर्ट लुक देता है। पीछे से जो नकल्स आते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 उसको भी क्रोमिंग का वर्क थोड़ा सा किया है बट एक डिफ्यूज़र का तो लुक देखिए ब्लैक एंड सिल्वर वाइट गाड़ी पे किस तरीके से दिख रहा है। बट पर्शियन ग्रीन इंटीरियर जो आज वीडियो बनाने का मकसद है इज़ टू लॉन्च द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर इन द XUV 500। ये हमारा अर्टिगा में फेवरेट था, वैगन आर में फेवरेट था, नेक्सॉन में फेवरेट था बट महिंद्रा XUV 500 में द कंप्लीट लाउंज इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द पर्शियन ग्रीन कलर। लाउंज का मतलब है जो सीट का कलर है वो कलर दरवाज़ों का है, जो सीट का कलर है वो कलर डैशबोर्ड का है, जो सीट का कलर है वो कलर स्टेयरिंग का है, गियर का है। किस तरीके से एक आँखों को जो ठंडक मिल रही है, जो व्यू मिल रहा है मुझे एक स्पोर्ट्स कार में हम बैठे हैं इसका लुक हमको मिलता है। टॉप गियर के सीट कवर्स के साथ द अल्ट्रा कम्फर्ट सीट कवर्स ऑफ द टॉप गियर ब्रांड XUV 500 में हम लोग देख सकते हैं। जब फ्लोर मैट भी टॉप गियर की आती है जो पर्शियन ग्रीन कलर में आती है विथ अ हनीकॉम जो ऊपर की तरफ डिटैचेबल है। जो डोर है यानी कि जो दरवाज़ा है दो कलर के अंदर हमने कोट किया हुआ है, हाइड्रो पेंटिंग इसको बोल सकते हैं, प्लास्टिक पेंट बोल सकते हैं। दरवाजे XUV के ब्राउन कलर में आते हैं बट एक देख सकते हैं आप लोग शोरूम को करोड़ों गाड़ियां बनानी है तो उसको एक ही इंटीरियर देना है, उसको एक आपके लिए गाड़ी नहीं बनानी है। जब आप खुद की पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इंटीरियर कर सकते हैं। द पर्शियन ग्रीन ब्लैक इंटीरियर हाईलाइटेड विद द कार्बन फाइबर टचेस ऑन द हैंडल, द कार्बन फाइबर टचेस ऑन द पावर विंडो पैनल। किस तरीके से एक पीछे के दरवाजे का लुक है आप लोग देख सकते हैं एंड आज का कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर जाना चाहिए क्योंकि रोल्स रॉयस रूफ को हम देख रहे हैं XUV 500 के अंदर। द कंप्लीट रूफ ऑफ द कार हैज़ बीन इल्यूमिनेटेड विद अ मल्टीपल ऑप्टिक फाइबर्स। किस तरीके से रोल्स रॉयस रूफ पहले भी हमने देखी बट एटिगा में देखी, इनोवा क्रिस्टा में हमने देखी,
सी द गेटअप, जब डार्क मोड में इसको मैं देख रहा हूँ, जब दरवाजे वगैरह सब बंद है, नाइट मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। गाड़ी के अंदर अगर हम बैठे हैं, कोई क्लब, कोई लाउंज की एक फीलिंग आती है। ये दिस इज़ द थिंग विच कम्स इन रोल्स रॉयस रूफ। आपकी रूफ को ब्लैक स्वेड वेलवेट में कोट करके मल्टीपल ऑप्टिक फाइबर्स हैं विथ शूटिंग स्टार्स हैं। हर 5 सेकेंड में एक तारा जब आसमान में टूटता है तो उसका भी एक सिग्निफिकेंट लुक है जो हमको दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। बट ज़रूर आपकी 8 सीटर गाड़ी हो, चाहे इनोवा हो, अर्टिगा हो, XUV 500 हो या फॉर्चुनर हो, रोल्स रॉयस रूफ जो उसमें जान डालती है आप लोगों के सामने है। द टेस्ला इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, ये गाड़ी के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम हमने लगाया हुआ है, टेस्ला स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से एक वर्टिकल स्क्रीन विथ द प्रॉपर कैनवस वर्किंग। कोई भी दरवाज़ा खुला है तो उसके इंडिकेशंस भी हमको मिलते हैं। ऑडिसन के ऑडियो के साथ इसको हमने अपग्रेड किया हुआ है, जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, ऑडिसन प्राइमा APK 165P, यानी कि द वूफर बट विद द 2 क्रॉसओवर। आप कोई भी कंपनी का कॉम्पोनेंट लीजिए, उसमें क्रॉसओवर यानी छोटा एम्पलीफायर एक ही आता है, इसमें 2 आते हैं, वूफर के लिए सेपरेट, ट्यूटर के लिए सेपरेट। डैम्पिंग का वर्क करना पड़ता है चारों दरवाजे में, क्योंकि एक प्रॉपर साउंड हमको तभी मिलती है जब डोर्स को हम डैम्प करें। बट एक स्टेयरिंग का लुक भी आप लोगों को बताना था, एक स्पीडोमीटर का भी लुक देख सकते हैं किस तरीके से जो इंटीरियर हमने किया है। इट्स द स्पीडोमीटर, इट्स अ कार्बन फाइबर, जो टच स्क्रीन के ऊपर का कर्व है वो कार्बन फाइबर में है। गियर के इधर का कॉन्सोल, हाथ रखने वाला आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट के साइड फ्रेम, द लुक ऑफ द स्टेयरिंग इज अ पर्शियन ग्रीन हाईलाइटेड विद अ कार्बन फाइबर। थोड़ा सा लेदर है, थोड़ा सा पेंटिंग है, थोड़ा सा हाइड्रो डिपिंग है, ये सब की मदद से जो फाइनल आउटकम हमको मिला है आप लोगों के सामने। द गियर नॉब, द गियर क्लॉथ, एक पर्शियन ग्रीन का जो मज़ा है आप लोगों के सामने। आवाज़ भी हम सुनेंगे किस तरीके से है, सर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे किस तरीके से है, बट XUV 500 का ये वीडियो किस तरीके से लगा है। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। एक बार फिर जो XUV 500 हमने देखी है, द फर्स्ट XUV विथ अ पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, जो इसको लुक आप लोग ने दिया है, जो इसका प्यार हमको तो मिलने ही वाला है ये वीडियो पे, प्रसाद जी है जिनकी गाड़ी हमने बनाई है। तेलंगाना स्टेट से हमारे पास आए हैं हैदराबाद, बट आंध्र प्रदेश की पासिंग है हमारी गाड़ी। किस तरीके से प्रसाद जी, जो ये इंटीरियर हुआ है और जो सोने पे सुहागा है, जो फर्स्ट टाइम है, वो रॉल्स रॉयस रूफ है, जो इसकी छत हमने अंदर की देखी। सर आए थे खाली हमारे वीडियोस देख के, कुछ ज़्यादा हमको बोला नहीं कि सर हमने वीडियोस देखे हैं, ये हमारी गाड़ी है, इसको क्या अच्छा आप बना सकते हैं, गाड़ी अच्छी चल रही है, इसको बेचने का मन नहीं है, इसको आप ऐसा बनाइए कि और 10 साल इसको हम वापरने चाहिए। किस तरीके से प्रसाद जी, जो गाड़ी का काम हुआ है और ये फर्स्ट ऐसे हैं, बाकी हैदराबाद से और भी गाड़ियाँ आई, बट लोग आते थे छोड़ के चले जाते थे। सर 5 दिन 6 दिन जो भी हमको टाइम लगा है, पूरा मुंबई में थे हमारे साथ, दिन भर दिन देख रहे थे कि किस तरीके से मेरी गाड़ी का काम हो रहा है, एक दिन हेडलाइट का, एक दिन सीट का, एक दिन रूफ का। हाउ इज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस सर, इन दो लाइन हमारे व्यूअर्स के। गाड़ी तो अच्छा बनाया है, मस्त बनाया है, बहुत बढ़िया आया गाड़ी। जो भी देख रहा है पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, क्योंकि महिंद्रा ने भी वो चीज़ उसके अंदर नहीं की है जो अपन ने उसके अंदर की हुई है। साई ऑटो वाले कर दिया, महिंद्रा वाले भी नहीं करे, साई ऑटो उधर की आपकी, साई ऑटो वाले भी कर दिया। लोकल लैंग्वेज में दो लाइन उधर के क्या बोलेंगे? बंडी मॉडिफाई చేయాలంటे मुंबई साई ऑटो में बोल के रहा है। మనం ఖాళీ చెప్పేది ఇట్లా అవసరం ఉండదు, ఖాళీ బండి పెట్టినామంటే వాళ్ళే మొత్తం ఏమేమి చేయాలి, ఎట్లెట్లా చేయాలి మొత్తం వాళ్ళ ఐడియా తోటి మనకు చేసి ఇస్తారు। తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ లేకుండా మనం ఎట్లా చెప్తే అట్లా వాళ్ళు మనద ఈ బడ్జెట్లు ఇట్లయితే ఈ బడ్జెట్ ఇట్లయితే అని మంచి చేసి మనకు హ్యాపీ చేసి పంపిస్తారు। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, ఆప్కు దిల్ సే శుక్రియా కర్తే హై। తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర సే జో హమారే వ్యూయర్స్ దేఖ్ రహే హై, మేరా దిల్ సే ఇన్కో శుక్రియా హై। సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ XUV 500 విత్ అ పర్షియన్ గ్రీన్ ఇంటీరియర్ एंड रॉल्स रॉयस रूफ, जो वीडियो का टाइटल है, लाइक वगैरह करना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। ड्राइव सेफली एंड थैंक।